सो भाइलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज से देखा आपके अपना ड्रग एक्सप्लोरर ब्लॉग को। सो आज इतने दिनों बाद मेरी जो वीडियो देख रहे हो, क्योंकि शायरी का भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको पूछा था कि पता ही है इसके आंखों में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो ठीक हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। और थोड़ा देख लो जैसे गर्मी कितनी तगड़ी धूप पड़ रही है, और वैसे ही आप सबको पता है जर्मन शेफर्ड ब्रीड के बाल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक बंदा सोचता है कि हम अपने डॉग के बाल कटवा दें, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो कम से कम 700 to 1000 रुपीज़ मांगते हैं कि हम आपके डॉग के बाल काटेंगे। तो हमने सोचा 700 to 1000 रुपीज़ क्यों वेस्ट करें, अपने घर के अंदर ही बाल काटेंगे अपने डॉग के। तो हमें ये ट्रिमर लेके आए हैं, डॉग वाला है, ये डॉग वाला ट्रिमर है, नॉर्मल ट्रिमर नहीं है, कोबरा कंपनी का है ये। जैसे कि आप तो देख सकते हो इसके अंदर डिस्प्ले भी लग रखी है LED, जिसके अंदर बैटरी चार्जेस बताता है। और ये 47 ब्लेडेड वाला है, 47 ब्लेड्स है इस वाले के अंदर, ये डॉग वाला है। और ये आई थिंक टर्बो वाला है, ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलता है, और ये हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड भी चलता है। जैसे देखोगे तो ये आगे ऐसे हम इसको अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बताऊँगा कि हम अपने डॉग के अपने बाल कैसे काटें, और आप सबको कैसे काटना शुरू करना चाहिए। तो शेरी बैठी हुई है, दिखाओ शेरी को, देखो वो बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशान हो रही है, इसलिए अब हम सोच रहे इसके बाल काट ही देते हैं। तो हम इसके पूरे ही काटेंगे, क्योंकि जैसे कि इसके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और इसकी आँख भी अब देखो नॉर्मल सही हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह रही है वो भी सही हो जाएगी। अरे बहुत ज़्यादा खुश है आज, तो आज के बाल कटेंगे तो देखना कितनी खुश होगी। तो चलिए अब इसके बाल काटना हम चालू करते हैं, और आप सबको बताएंगे कि कैसे अपने डॉग के बाल काटना शुरू करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा रे कमें लिटा दे, आया लेटेगी या बैठेगी? देख 3 mm 4 6 mm। तो आप सबको पकड़ टूटू पकड़। तो आप सबको भी हमेशा जब बाल काटो, जैसे इसके थोड़े मीडियम रेंज के बाल है तो मैं 6 mm से चालू करूँगा। जैसे लॉन्ग कोट के जो डॉग होते हैं जर्मन शेफर्ड, उनके जब आप काटते हो तो आपको कम से कम 10 या 12 mm का लेना चाहिए। अभी इसके शॉर्ट है इसलिए हम काट रहे हैं 6 mm से, काटेंगे हम पूरे ही, लेकिन स्टार्टिंग हमें 6 mm से करनी है, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो जिसके वजह से हम अगर डायरेक्ट छोटे से काटूँगा तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम पहले इससे काटेंगे 6 mm से, सारे बाल छोटे कर लेंगे ढंग से अच्छी तरह, उसके बाद हम 3 mm पे आ जाएंगे, उसके बाद हम नॉर्मल ब्लेड पे आएंगे। तो अब हम इसके 6 mm लगा के काटना चालू करते हैं। तो अब हम इसके अंदर 6 mm ब्लेड लगा लेते हैं, ये हमने लगा लिया ऐसे, ये देखिए 6 mm ब्लेड है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 6 mm। तो अब हम इसको करते हैं चालू, ये और 100% बैटरी है इसकी। चलो शेरी कितने सारे बाल आ रहे, शेरी को अच्छा नहीं लग रहा मेरे ख्याल में। नहीं आराम से कटवा रही है भाई, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। और आपको हल्के हाथ से काटना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपका डॉग अपने आप कटवा लेगा आपको, नॉर्मल हैंड से ढीले हाथों से हल्के हाथों से काटने अपने आप ही कटते रहेंगे। जब आप प्रेशर लगाओगे तो इसकी खाल के अंदर जाके ब्लेड फंस जाता है, आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे वो शेरी कोई रिएक्शन नहीं कर रही, पहले आगे काटने लग गया, आप मत काटने लग जाना ऐसे। हाँ अब मैं इसको लेटा देता हूँ, क्योंकि तब ये थोड़ा रिलैक्स फुली कटवाएगी। लेट जाओ लेट जाओ ना लेट जाओ देखो, जैसे कि अभी लेट चुकी है, और इसके बाल जैसे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, बड़े बाल हैं, और इतनी सी देर में ब्लेड का पूरा हाल बेहाल होते हुए 6 mm आई। तो इसको मैंने बिल्कुल ऐसे मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे को जैसे अभी इसको नॉर्मल ही लगा के काट रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसे कर रखे हैं। शहरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये क्या मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, मेरे बाल काट दे रहे हैं। और ये बाल बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं कराती, घर के अंदर ये सारे काम करवाती है, बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर तो इरिटेट हो जाती है ना, ये ना बाहर जाके बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, वहाँ कटवाएगी भी नहीं है इतने, कटवाएगी भी नहीं इतनी देर में, तो पकड़ लेती है हाथ पैर बंद हो गए, हमारे साथ कटवा दे रही है। बाहर सोचेगी पता नहीं क्या कर रहे हैं, हाँ इसको लगता है कि इसको ना बांध, इसका गला बांध के काट दे रहे हैं।
जो सो गई तो सो रही है, आराम मिल रहा है। पहले बाल छोटे करने हैं, उसी के बाल काटने हैं। ऐसा नहीं कि लगाया डायरेक्ट और फेर डाला छोटे वाले से, वरना इसके बालों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसके ब्लेड बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जिसकी वजह से इनके बालों में भज जाते हैं, तो गुंजल सा बन जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं लगेगा उसे, वो फिर मचलने लगेगा। लोग जैसे अभी देख लो आराम से कटवा रही है, इसे रिलैक्स मिल रहा है, कुछ वो बाल नहीं खींच रहे। और एक दिन पहले नहला लेना, हमने नहला लिया था, हमने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि अब हर बार ही हम नहलाने की वीडियो तो डालेंगे नहीं। अरे घर की गंजी तो दिखा। सो भाई लोग, अब मैं इसके 6 mm से पूरा कम कर लेता हूँ। लगता कोई आ रहा है, देख रही है नीचे। कौन है? कौन है? मानसी भाई। आजा नीचे, आजा। सेट नो सेट। तो मैं इसके 6 mm से पूरे हल्के कर लेता हूँ, उसके बाद आप सबसे बोलता हूँ। आजा सही, थोड़ा गंजे भी कर। आजा अब इसको ऐसे खड़े करके काट कर लो बाबा। ये है सर्दी के कुत्ते, जर्मन जर्मन शेफर्ड। वो हस्की भी, हस्की और ये सारे सारी अपने बालों पर। अरे कितने बाल निकल रहे हैं। अब हमने इसके 3 mm से काट के देखे, क्योंकि अब कट ही नहीं रहे 3 mm से, तो हम सीधा 0 से ही काटेंगे। 0 पकड़। मैं बहुत ज़्यादा थकी चुका हूँ, और ये अभी इसको तो बड़े बड़े आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करती, क्योंकि सारे कट चुके हैं 3 mm से, अब कट नहीं रहते। तो हम इसको सीधा 0 मार के बिल्कुल लैंड ख़त्म कर देंगे सारे बाल। जोकर्स
ये तो अच्छी बात है, आप लड़ाई में सबसे आगे। नो 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 जैसे ही वो हमारे कब्जे में आएगा हम पता कर सकते हैं कि वो चाहता क्या है। इधर घूम के बैठो पहले शक्ल शक्ल दिखाओ ना बस आवाज अंदर में। ये शेरी की कटिंग हो चुकी है और ये बहुत खुश है इस समय। ये इसकी देखो बिल्कुल बारीक कटिंग कर दी है, इसकी पूंछ, ये इसका शरीर, सारे बाल इसके बड़े बड़े थे काट दिए। भाई खड़ा करियो शेरी को, शेरी स्टैंड अप। देखो वो बैठने में उसे बैठना ही है, खड़ी नहीं होगी। पूंछ वगैरह दिखानी है ना, स्टैंड अप। लाइन टेक करके अपने पीछे से शेरी की है, टाइगर वाली, टाइगर स्टाइल हो गई इसकी। हाँ लाइन टेक सुंदर हो जाएगी अब इसके बाल आएंगे। जैसे कि देख सकते हो शहरी अंदर से भी बड़ी खूबसूरत है, मजा आता है। ऐसे ज्यादा बिल्कुल बारीक बाल कर दिए और शहरी की आगे से शहरी के अंदर डिफरेंस बता दो आप, कोई भी नहीं बता सकता इधर से किसके बाल कटे। शहरी देख इधर शहरी आते मूड मारने। ओ बोल स्टॉप। नो क्या ना मानती है ये, बेड पे नहीं चढ़ना। और देखो इसकी आंख बिल्कुल ठीक हो चुकी है, हो गई वो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ वही तो ठीक होता है, फर्क है बिल्कुल ही ठीक हो गई। हाँ है ना शहरी, यारी ना बड़ी अच्छी बच्ची है, सारी बात मानती है। मैंने उसको शहरी को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, मैंने उसको बार्क सिखाया है, इसको मैंने दो तीन चीज़ और सिखाई है। मैं उसको डाउन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसको जंप भी सिखा दिया हमने, इसको कम गो बैक बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब वो भी सिखाऊंगा इसको टर्न घूम रहा जो कहेंगे टर्न जो है आपको मुझे रखी हुई। सो गाइस आज की वीडियो का इतना ही, अगर आपके वाली वीडियो पसंद आई जैसे कि आपने उन्होंने देखा आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत से कम लोग ही ये सब डालते हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रही थी, इसकी वजह से हमने इसके बाल कटवाए सही, तो अब इसको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। तो फिर आज की वीडियो का इतना ही, अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट जरूर से कर देना और सब्सक्राइब बटन जो पहले का ऑप्शन आता है उसे जरूर बोल जाता है, सारी वैसे पहले मिलता है। तो फिर आज की वीडियो का इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।